अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ग्रीन मसाला फिश। और इसके लिए जो है ना, मैंने ये 1 kg जो है, मैंने 1.5 kg मैंने ये फ़िश ले ली है। और जो है इसमें हम बिल्कुल भी रेड चिली और हल्दी वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। इसमें जस्ट जो है ना, मैं ग्रीन मसाले यूज़ करूँगी। मैंने ये धनिया ले लिया है इसके लिए, और ये मैंने 4 बड़ी जो है ना सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। और इसमें जो है हम दही का यूज़ करेंगे। ये 2 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए हैं। और क्या कहते हैं इसमें, ये मैंने शाहजीरा और जो अजवाइन है इसको मैंने कूट लिया है। और ये तकरीबन जो है ना, ये 1 टी स्पून है, और ये दोनों मिक्स करके 1 टी स्पून होने चाहिए। और 1 टेबल स्पून इसमें बेसन हम लेंगे। लास्ट टाइम जो हमने फिश बनाई थी उसमें जो है ना, हमने वो मैदा भी यूज़ किया था, लेकिन इसमें मैदा नहीं यूज़ करेंगे हम। इसमें जस्ट जो है ना बेसन जाएगा। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक ले लिया है। और ये 2 बड़े जो लेमन है ना, उनका मैंने जो जूस ले लिया है। अगर जो लोग लेमन पसंद नहीं करते हैं तो आप जो है ना, इसकी जगह इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इमली का पल्प हम निकाल लेते हैं ना, उसको यूज़ कर लें। तो मेरे घर में ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से जो है ना, मैं लेमन ही ले रही हूँ। चलें जी, अब जो इसके ग्रीन मसाले हैं ना, इनको हम चॉप कर लेते हैं। चलिए जी, मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से चॉप हो गया है। चलिए जी, ग्रीन मसाला जो है ना, वो अब हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। और मैं जो हूँ ना, अब इसमें ये जो मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया था, इसे भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये जो 1 टीस्पून हमारा अजवाइन और जीरे का पाउडर था, इसे भी। और नमक इसमें मैं कम ही ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लिया था। इसको इस तरह से आपने ना मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ये इस फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से ना। लेमन जूस भी ऐड कर दें इसमें। मसाला हमारा अब रेडी है, और जो फिश है इसको अब हम कट लगा लेंगे। फिश को इस तरह से ना आपने कट लगा लेनी है, ताकि जो मसाला है ना, वो अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल ना मैरिनेट होने में इसे ना मुश्किल ना हो। फिश जो है, देखें, इसे मैंने इस तरह से कट लगा ली है। अब जो है ना, हम ये ग्रीन मसाला जो है ना, इस पे डाल देंगे इस तरह से। आपने इस तरह से अच्छी तरह से ना, जो इस पे ना कट्स में जो है ना, इसके इसको इस तरह से आपने लगा देना। इस तरह से मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रखूंगी, फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। मसाला लगाने के बाद इसको आपने जो है ना, ओवरनाइट जो है ना, इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। ये देखें जी, ग्रीन मसाला जो है, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, इनके अंदर भी मैंने जो है ना, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से लगा दिया है।
अब जो है ना मैं इसे मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख दूंगी, और फिर जब मैं इसे बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं इसे। चलें जी, फिश को जो है ना मैंने मसाला लगाने के बाद ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब जो है ना हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, अब जो है ना मैं फिश को फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना, आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम इसका हाई नहीं रखना। अगर आप इसे ना हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो इसके जो है ना जलने का खतरा हो जाएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसे बनाना है। बस जस्ट मैंने जो है ना इसमें चार ही रख दी है, चार की चीज रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं डाल रही मैं इसमें। तकरीबन जो ये आपकी है ना 6 to 7 मिनट्स में फ्राई हो जाएगी और अच्छे से तैयार हो जाएगी ये। देखिए जी, फिश की साइड को जो है ना मैंने चेंज कर ली है। ये देखो ग्रीन फिश जो है ना हमारी रेडी है। मैं इसको निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए जी, इसमें मैं अब और ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, ग्रीन मसाला फिश जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब काइंडली आप इस फिश को बनाएं और इंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।